जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, फर्स्ट क्लास हैं, मज़े में हैं। और बैक टू प्रैक्टिकल लाइफ जी, हम वापस आ गए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैंने कहा जी बड़ा आराम कर लिया, बड़ा घूम फिर लिया, अब बैक टू वर्क आ जाएँ। तो आज फर्स्ट डे मैं रेस्टोरेंट पर पहुँचा नहीं हूँ, अभी रास्ते में हूँ। तो मैंने कहा जी कुछ चेक करें इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये पीछे बिल्कुल मेरे स्ट्रीम म्यूजियम है यहाँ का, और पोर्ट के सामने बिल्कुल रेस्टोरेंट्स हैं। तो मैं भी बैठ कर दिखाता हूँ आपको रेस्टोरेंट पे क्या हो रहा है और कौन कौन उधर है, सबको सरप्राइज़ देना है आज मैंने जी। वैसे तो जी आई एम बैक जी, अब वापस आ गया हूँ जी रेस्टोरेंट पे। तो अभी सबको मिला हूँ, बल्कि अभी यहाँ पर सारे ये आ गए, हमारे पीछे फैमिली भी आ गए। तो अभी सारे काम शाम कर रहे हैं यहाँ पे जी, और मैं बल्कि भी आपको दिखाता हूँ बाहर से भी। तो ये है कॉफ़ी मशीन वगैरह लगी है यहाँ पे, और सारा वो अपना कॉफ़ी का सामान वगैरह है। उसके बाद ये है कि यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है सारा इनसाइड, और यहाँ से बाहर आउटडोर सारा बना हुआ है। ठंड हो गई है काफ़ी यहाँ पे, तो लेकिन यह कि अभी धूप छुप नहीं है, तो इसलिए हमने ऊपर वो शेड किया हुआ जी। व्यूअर्स तो मैं बैक पहुंच गया हूँ जी यहाँ पर, और बिजी थे बस, थोड़ा सा चेकिंग में लगे हुए थे, देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन यह है कि काम शाम था आज, मतलब बिजी है, चल रहा था रेस्टोरेंट, मैंने वेटर सेटर पीते हैं। और यह है कि अब थोड़ा, क्योंकि ब्रेकफास्ट है तो इस वजह से अब थोड़ा सा स्लो बैठा, लेकिन ओवरऑल मतलब सबको मिला हूँ, बड़ा मज़ा आया, सबने बड़ा वार्म वेलकम किया। तो सब बड़े शौक थे, सरप्राइज भी थे और खुश भी थे कि मैं इतना घूम फिर के आया हूँ। तो जी बड़ा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, पहला दिन मेरा अच्छा गुजर है। हाँ हियाम को मैं मिस कर रहा हूँ, हियाम क्योंकि घर पे है, तो घर जा कर उससे मिलूँगा। तो ये है कि लेकिन काम भी ज़रूरी है, साथ साथ सारी बात है। तो ये है कि अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियों का मेन्यू चेंज करूँगा, नई नई डिशेज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंटरनेशनल, और आपको भी दिखाएंगे उनकी रेसिपीज़ सर्दियों में, आप भी घर में बना सकते हैं। तो जी हम लोग इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट भेजते हैं यहाँ पे, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट हमारा देसी है, मैं दिखाता हूँ जी। जब नाश्ता आया है, और नाश्ते में मैंने मंगवाया कीमे वाले पराठे, अंदर कीमा डाला हुआ है, कीमे वाले पराठे ज़्यादा, तीन पराठे भेजे उन्होंने, एक एक मेरा खा था, साथ रायता है, साथ अभी जो है हम लोग बना लेंगे चाय, चाय के साथ पराठा शराठा खाएंगे। और जी अभी तो इसको थोड़ा सा सुकून है, एम्प्टी है, तो इसलिए हम सुकून से नाश्ता करेंगे अब। और बल्कि मेरे भाई हैं वापस, तो एक दो नोटिसेस भी आए कि जी पीछे से ये है कि हमें एक दो फाइन भी हो गए। तो वो ये है कि इसमें हम लोग को अलाउ है टेबल बार लगाने, ना नौ टेबल, तो हम समटाइम्स ना एक आधा टेबल एक्स्ट्रा लगा लेते हैं क्योंकि काम शाम होता है इस वजह से। तो वो जनाब उन्होंने ना ठीक ठाक दो फाइन दे दिए, तो इसलिए जी अब थोड़ी सी टेंशन बनी। लेकिन मैं अब चेक कर रहा था, तो वो फाइन जो है वो जमा करवाने पड़ने हैं, लेकिन अब आगे थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिया हमने थोड़ा सा, कि भी नेक्स्ट ऐसी कोई भी मिस्टेक ना हो कि हम लोग एक्स्ट्रा टेबल लगाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पर हर दो नंबर ही चल जाए, यहाँ पर अगले पकड़ने के लिए आ जाते हैं इस मामले में। तो यह है कि ये सिर्फ एक बैड न्यूज़ थी, बाकी माशाल्लाह सब बेहतरीन है, A1 है, और वैसे का वैसे ही जैसे हम छोड़ के गए थे। तो ये है कि अब नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। व्यूअर्स तो जी अब ठंड शुरू हो गई है ज़रा, तो हम लोग आ गए खाना शाना खा के, रात हो गई, चाय शाय पी लिए। तो जी अमाद हुसैन साहब आए हैं मिलने के लिए, तो मैं क्या अमाद साहब को थोड़ा रहा ज़रा मेरे व्यूअर्स को कोई गाने सुना दे ज़रा। जरूर सुनाएंगे जी, इनकी बात बहुत प्यारी है, मैं भी असल के शागिर्द रहे हैं ये। अच्छा नहीं वही ठीक, सही बात है। अभी आपको राग लगा के सुना था, जल्दी जरा सुना दे, मेरा दो कलैना सुना देना। फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, ये गुनाह हमने एक बार किया, सब्र हर बार इख्तियार किया,
हमसे होता नहीं, हजार किया सब्र हर ये री माशाल्लाह वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, थैंक यू भाईजान आपने मैं गजल सुनाई। तो ठीक है, मेरी फेवरेट गजल है, तो ये मैं ऐसे माँ से ना डेली सुनता रहता हूँ, बल्कि इसके ऐसे ने ना यूट्यूब चैनल पे भी लगाई हुई है, तो मैं घर जाते वक्त ना वो लगा के सुनता रहता हूँ अक्सर गाड़ी में। तो अब ये अब बस मेरा ख्याल है मैं वेला शेला हो गया हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर बाहर बंदा ना बंदे की ज़्यादा ठंड हो गई है, बाहर हीटर शीटर चलाए हुए, तो मैं तो अब जाने लगा हूँ घर। बल्कि ये है कि हयाम की भी कोई तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अब घर जाऊँगा, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। ये जी अब हम आ गए जी घर, हयाम फातिमा खाना खा रही है और सारा ड्रामा देख रही है। और जी अब माशा रोटी खाएगी, आप बड़ा इंजॉय करके ये पार्क में तो हल्की सी चोट भी लगवाई, तो अभी पार्क की वीडियो भी हम इसके साथ अटैच करते हैं ताकि आप भी देखें ये पार्क में कैसे खेलती रही है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, ये जी हम लोग आज रहा हयाम और हुसैन को भी नीचे पार्क में लेके आए हैं, क्योंकि ये आज थोड़ा सा मिस कर रही है काशान को, क्योंकि वो ऑफिस चला गया हुआ है, तो आज उसको फर्स्ट डे है, बहुत सारी छुट्टियाँ कर ली हैं हयाम के लिए, तो हयाम छोटा बेबी बना हुआ है। हयाम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, मेरा बेटा खड़ा हो जाए, हयाम खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाए, मेरा बेटा खड़ा हो जाए। अच्छे ये जी हयाम फातिमा अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है और खुद से थोड़ी सी हल्की सी भूख लग गई है। ओए होए याम आप किधर जा रहे हो, याम फातिमा किधर जा रही है, किधर जाना है आपने, हुसैन के पास जाना है आपने, हुसैन के पास, हुसैन के पास जाएगा मेरा बेटा, ये लो लो। ये जी है याम फातिमा ने कर ली है फ्रेंडशिप छोटे से बेबी के साथ, और ये उसके साथ खेल रही है और शेयरिंग भी करती है, ये बेटा बहुत अच्छा बच्चा है, ये अपनी मम्मी का बहुत प्यारा बेटा है। हयाम फातिमा आज असल में ना पार्क में रश बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको ना जगह कम मिल रही है। ओ देखो हयाम ले लो बेबी से, ले लो मेरा बेटा, हयाम फातिमा बहुत प्यारा बेटा है भाई, ये सब के साथ खेल लेती है। हुसैन हमारा मौज मस्ती वाला है, ये अकेला रहा है, ये शेयरिंग कम करता है। हुसैन तो बहुत अच्छा बच्चा है, चलो चलो हुसैन, चलो गुड हुसैन, उधर से आओ। आज क्योंकि पार्क में ना रश बहुत ज़्यादा, हुसैन की हुक्मरानी काम हुई हुई है। ये जी हयाम फातिमा अकेली इधर इंजॉय कर रही है। हयाम फातिमा, हयाम फातिमा, ओए किसे बुला रही हो, बिस्मिल्लाह उठ जाओ आप भी, आपने क्या लेना, उठो आपने क्या लेना है मेरे बेटे ने, आओ आपका फुटबॉल लेते हैं, आ जाओ याम फातिमा।